का दोस्तों, आप देख रहे हैं बदलता बिहार झारखंड। मैं रंजीत कुमार सिंह आज छपरा के पुलिस लाइन में पहुंचा हूं, जहां पर उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक के द्वारा झंडोत्तोलन और विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी लेकर प्रस्तुत होने जा रहा हूं। आइए हम दिखाते हैं आपको, बात करते हैं। निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग, वाद विवाद, जनसंवाद, खेलकूद में भी क्रिकेट और अन्य तरह के मैचेस, और आपके पुलिस केंद्र में भी हम लोग आपके लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग के लिए अलग से खेलकूद का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और उसमें भी जो अच्छा काम अच्छा उसमें प्रदर्शन जिनका रहेगा उनको भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे। तो आप लोग इसमें अपना बेहतर प्रदर्शन करें, जो भी कार्यक्रम किए जाएं उसको अच्छे से करें, और हम यही आशा करते हैं कि हम लोग इस पूरे पुलिस सप्ताह को उमंग उत्सव के माहौल में पूर्ण समर्पण आस्था के साथ एक उच्च अनुशासन के मानदंड को स्थापित करते हुए मनाएं, और जो इसका उद्देश्य है कि हमारा पुलिस अब एक लोकोन्मुखी और जन सहयोगी छवि की ओर बढ़ता हुआ, लोगों की मदद हम दिन रात करते हैं लेकिन उसको और ज्यादा प्राथमिकता देते हुए, और लोगों को भी इस बात को बताना हम लोगों का उद्देश्य है। तो संवेदी पुलिस और सशक्त समाज की जो अवधारणा है, जिसमें पुलिस को ज्यादा संवेदनशीलता के साथ काम करना है। बिहार पुलिस सप्ताह 2022 का प्रथम दिवस है। 21 से लेकर 27 तक पूरे एक सप्ताह हम लोग बिहार पुलिस सप्ताह मनाते हैं। ये पिछले कई वर्षों से बिहार पुलिस का एक विशेष कार्यक्रम है, और इसमें इस दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं सबसे पहले इस अवसर पर बिहार पुलिस से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारी कर्मी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही हम लोग इस 7 दिन को एक उत्सव के तौर पर जो भी प्रोग्राम करें उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर करके जनता और पुलिस के बीच दोनों के बीच आपसी तालमेल और एक दूसरे पर विश्वास हो, इसके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाने हैं। साथ ही साथ हमारे पुलिस के जो साथी जो अच्छा कार्य करते हैं, पुलिस पदाधिकारी कर्मी, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जो पुलिस का सहयोग करते हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता में जो अच्छा करेंगे विद्यार्थी या जो भी पार्टिसिपेंट्स, उनको भी हम लोग पुरस्कृत करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस बिहार पुलिस सप्ताह को एक सप्ताह तक मनाते हैं, जो कि इस बार 21 से लेकर के 27 तक मनाया जाएगा। और इस अवसर पर हम सभी पुलिस कर्मी को जो बिहार पुलिस से जुड़े हुए हैं, बिहार पुलिस के पदाधिकारी कर्मीगण को हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ इस दौरान बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका मूल उद्देश्य ये रहेगा कि पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए काम करना, बेहतर तालमेल से आपसी विश्वास को और बढ़ाना, और दोनों के बीच जो कई बार देखी जाती है कि खाई रहती है या विश्वास का अभाव होता है, उसको फाटना और उसमें एक बेहतर तालमेल स्थापित करना। तो ये कार्यक्रम जो होंगे वो जिला स्तर पर भी हैं, और ये 7ों दिन कार्यक्रम होंगे कुछ ना कुछ, और इसी क्रम में जो है हर थाना स्तर पर भी ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कि खेल कूद से लेकर के आपका पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, जनसंवाद, रोड सेफ्टी को लेकर के हम लोग जागरूकता, जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस वगैरह के बारे में, फिर निबंध प्रतियोगिता वगैरह भी, बैंकिंग से सुरक्षा
से संबंधित जो डिजिटल सुरक्षा की बात आजकल बहुत सारी दिक्कतें आती है, महिला सुरक्षा और महिला सभा एवं बाल सशक्तिकरण आदि विषय पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो एक बृहद कार्यक्रम है, हर थाना स्तर पर है और लगभग ये प्रत्येक दिन चलने वाला है और लास्ट में हम लोग 26 तारीख को वृक्षारोपण करेंगे पूरे जिले में हर प्रतिष्ठान में। और उसके बाद उस दिन थाना स्तर पर अनुमंडल स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा जो अच्छे प्रतिभागी उसमें आएंगे, जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे। और जो जिला स्तर पर भी जो है 27 तारीख को अंतिम प्रोग्राम है, जिस दिन हम लोग समापन समारोह सह पारितोषिक वितरण समारोह करेंगे और उसमें जिला स्तर पर जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं पूरे जिला में, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किए हैं उन प्रतिभागियों को, पुलिस के सहयोगियों को, गणमान लोगों को बुला करके और पुलिस में भी जो अच्छा कार्य किए हैं पुलिस पदाधिकारी कर्मी उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार से ये समापन होगा। मुख्य उद्देश्य है कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बने जिसमें कि पुलिस कर्मी और पुलिस पदाधिकारी भी अपनी उपलब्धि को सेलिब्रेट कर सके, साथ ही साथ जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके आगे काम करें।